पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जल्द कर सकते हैं नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान। बीजेपी में जाने की बातों को नकारा कई कांग्रेसी विधायक और नेता कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन। दुबई में हो रहा है वर्ल्ड एक्सपो का आगाज। अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश दिखाएंगे अपनी ताकत। 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद। शिमला में 7 सेकंड में गिरी 7 मंजिला इमारत। नींव दरकने से हुआ हादसा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आगरा में 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना लेंगे और करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेता भी उनके संपर्क में हैं। दरअसल कैप्टन के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो या तो बीजेपी में जा सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को दिल्ली से वापस चंडीगढ़ लौट गए थे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। ऐसे में जब उन्हें नई राजनीतिक पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं और वो जल्द ही कुछ किसान नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद वो नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई कांग्रेसी विधायक और नेता अमरिंदर के समर्थन में हैं और वो कैप्टन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द नई फौज तैयार करने वाले हैं। 15 दिनों के अंदर वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और कई कांग्रेसी नेता विधायक उनके संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। वर्ल्ड एक्सपो का आगाज। जी हां, दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आगाज हो गया है और अगले 6 महीनों तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। तकनीक और कला संस्कृति को इस एक्सपो में दिखाया जाएगा। बता दें, इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। ऐसे में दुबई एक्सपो में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के साथ साथ नई तकनीक और इनोवेशन का अद्भुत संगम होगा। यहाँ 190 से ज्यादा देश इकट्ठा हुए और सभी के अलग पवेलियन हैं। हर मुल्क का पवेलियन अपनी बढ़ती ताकत और क्षमता से दुनिया को रूबरू कराने के लिए यहां पर इकट्ठा होगा। वैसे बता दें कि दुबई एक्सपो 2020 में शेड्यूल था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, लेकिन अब ये 2021 में आज से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसे नाम दुबई एक्सपो 2020 ही दिया गया है। बता दें, ओलंपिक के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जो होने जा रहा है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं क्या क्या इस एक्सपो में होने जा रहा है। तो ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। तो इस एक्सपो में 50 करोड़ लोग शामिल होंगे जबकि 182 दिन तक ये एक्सपो चलने वाला है, यानी कि 182 दिन यहां पर लोग इकट्ठा होंगे। जब से 192 देश इसमें शामिल होंगे और 50 लाख वॉलंटियर्स भी इसमें काम करेंगे और 1100 हेक्टेयर इलाके में ये पूरा एक्सपो फैला हुआ है। आपको बता दें कि ओलंपिक के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और 550 टन मुख्य गुंबद भी स्टील की लगी हुई है और 21 मीटर एंट्री गेट की ऊंचाई है, जबकि 60 रोज लाइव इवेंट भी इस एक्सपो में होने जा रहे हैं। 40,000 ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सपो में शामिल होने वाली हैं। तो ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा पवेलियन भारत का ही है। भारत का दुबई में दम देखने को मिलेगा, दम भारत दिखाएगा क्योंकि सबसे बड़ा पवेलियन भारत का ही है। ऐसे में ब्लॉक हमेशा घूमते रहेंगे। 500 करोड़ रुपए खर्च इसमें किए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये दुबई एक्सपो 1 अक्टूबर यानी आज से शुरू होकर 31 मार्च तक 182 दिन तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर से 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और इस एक्सपो में 190 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं और 1.5 लाख वॉलंटियर्स भी यहां पर अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पूरा एक्सपो 110 हेक्टेयर इलाके में फैला हुआ है, जबकि
के सेंट्रल गुंबद को बनाने में 550 टन स्टील का इस्तेमाल भी हुआ है। एंट्री गेट की ऊंचाई 21 मीटर है, जबकि यहां पर हर रोज 60 लाइव इवेंट भी होते रहेंगे और एक्सपो में दुनिया भर के 46,000 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि दुबई एक्सपो में सबसे बड़ा आकर्षण हिंदुस्तान का पवेलियन ही है, जिससे पूरी दुनिया भारत का दम देखेगी। और भारत की ओर से टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी, वेदांता, HSBC जैसे दिग्गज कंपनियों के साथ साथ सैकड़ों बिजनेस ग्रुप इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। वैसे तो दुबई एक्सपो में मिनी वर्ल्ड की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान का रंग यहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सहारनपुर के जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने एक बयान दिया है कि 2 अक्टूबर को भारत को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। इनके इस बयान पर सख्त नाराजगी जताते हुए देवबंद में इत्तेहाद उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी मुस्तफा देहलवी का कहना है कि ये महाराज जी की भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे लोग महाराज नहीं बल्कि इस देश और हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देश में आग लगाकर भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सहारनपुर के थाना नौता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस लगातार SSP के आदेश पर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। ऐसे में SSP डॉक्टर S चन्नप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए वाहन चोर सहारनपुर सहित कई जिलों में भी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही इनके गैंग के कई साथियों की तलाश भी की जा रही है। थानाध्यक्ष ननोता और उनके टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। ये अंतरजनपदीय गैंग है कि मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, तो कुल इनसे अभी तक हम लोगों को 11 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, जो मुजफ्फरनगर, यहाँ सहारनपुर और एक हरियाणा, जो अन्य जनपदों से जो चोरी हुआ है, ये मिलाए हुए हैं। इनसे गहराई से पूछताछ चल रहे हैं और भी मतलब इनके सक्रिय जो इनके सदस्य कौन कौन हैं इससे पता करवा रहे हैं, और इनको अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इनको जेल भेजा जा रहा है, और भी इनके साथियों का तलाश जारी है, और बाकी जो मोटरसाइकिल है इनके भी बारे में पता करवा रहे हैं। सर, ये चोरी करके मोटरसाइकिल बेचते थे या इससे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे? नहीं नहीं, ये तो बेचने का ये पता चला है अभी, मतलब जो जहाँ भी ये जो लेते हैं सस्ते पैसे में बेचते हैं, इस तरह का बात सामने आई है। और भी थोड़ा सा पता करवा रहे हैं कि इनका साथी कौन है और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, और जो टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर RPF जवान की मुस्तैदी ने एक यात्री को मौत के मुंह से बचा लिया। बताया जा रहा है कि यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसी कोशिश के दौरान यात्री का पैर फिसल गया, जिससे वो ट्रेन के साथ घिसटता चला गया। इस दौरान RPF जवान की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने जान की परवाह किए बिना यात्री की जान बचाई। इसके बाद ट्रेन रुक गई, जिससे यात्री को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो वीडियो देख सकते हैं किस तरह से, तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से चलती ट्रेन में यात्री चढ़ते समय गिर गया, और इस दौरान RPF का जवान वहां पर तैनात था, जिसने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ वहां पर उसकी जान बचा ली। कल मेरी ड्यूटी प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पे थी, तो ट्रेन शहीद एक्सप्रेस 046-73 आई। वो थोड़ी देर रुकने के बाद जब चली, तो गाड़ी चलने के बाद पीछे से शोर सुनाई दिया कि एक यात्री जो है गिर गया या लटका हुआ है। जब शोर मचा तो मैं पीछे की तरफ भागा, देखा तो एक यात्री खिड़की विंडो पर दोनों हाथों से
पकड़े हुए लटका हुआ था, जिसका आधा सिरा गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में था और आधा सिरा ऊपर था। फिर मैं उसके पीछे गया, उसको पकड़ा, उसको दोनों हाथों से उठाया और उसको बाहर निकाल लिया। वहीं शाजापुर में परमिट धारक गाड़ियों से चालान के नाम पर थाना सिंधौली अवैध वसूली का काम कर रही है। जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, वहीं थाना सिंधौली पुलिस मनमानी तरह से गाड़ी चालकों से पैसों की मांग, पैसे न देने पर गाड़ियों के चालान करते हैं। ऐसे में थाना सिंधौली की कोकरुकाइया चौकी में आए दिन गाड़ियां रुकती हैं और गाड़ी वालों पर दबाव बनाया जाता है। वहीं गाड़ी वालों का कहना है कि अभी हम लोग कोरोना काल से उभर नहीं पाए, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वहीं हम लोग सरकार को लाखों रुपए का टैक्स देते हैं और गाड़ी के पेपर पूरे होने के बावजूद भी चालान करने के लिए हमें धमकाया जाता है और पुलिस अपने मनमाने तरीके से हम लोगों का चालान कर रही है, जिससे हम लोगों को की रोजी रोटी पर भी संकट आ रहा है। ऐसे में जहां सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, वहीं हम लोगों का रोजगार छीनने का काम थाना सिंधौली की पुलिस कर रही है। हम लोग की गाड़ियां चलती है मैजिक, कहां से कहां चलती है? शाहजहांपुर से कुआया और थाना सिंधौली के कुछ पुलिसकर्मी जो कि गाड़ी वालों से ड्राइवर से वसूली करते हैं फालतू की, जो आए दिन गाड़ियाँ रोकते रहते हैं और पैसे की मांग होती है, पैसा ना देने पर गाड़ी चलान हो जाता है और पैसा जो दे देता है उसकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। इस समस्या का बड़ा ही दुख है हमें, क्या कहते हैं, जो कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि चलान हो रहा है गाड़ियों का पुलिस वालों से संबंध में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ सरकार रोजगार की बात करती है, वहीं रोजगार छीनने की एक समस्या आ रही है जो आए दिन होती जा रही है पुलिस कर्मियों की वजह से। थाना सिंधौली की पुलिस हमको बहुत, हम लोगों को परेशान करती है, अवैध पैसे जो मांगते हैं ना पैसे देने पे चालान करते हैं, और अगर ये मेरी समस्या हल नहीं हुई तो हम एसपी साहब के पास पेश होंगे। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक 14 साल की लड़की का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा कल से अपने घर से गायब था और घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं गायब हुए बच्चे का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जाँच में जुट गई है। नोएडा में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया की तरफ से आयोजित मेगा इवेंट वन नेशन वन डे वन मिलियन ब्लड शुगर टेस्टिंग अभियान को सफल बनाने में जिला गौतम बुद्ध नगर ने अपनी खास भूमिका निभाई है। जिले के लगभग 50 स्थानों पर 10,000 लोगों के डायबिटीज का चेक किया गया और करने के लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त भी किया गया। इससे पहले बता दें, अल्फा एक कमर्शियल बेल्ट स्थित सेंटर फॉर डायबिटीज केयर पर मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहे इस इवेंट का उद्घाटन किया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने इस मेगा इवेंट वन नेशन वन डे वन मिलियन ब्लड शुगर टेस्टिंग अभियान की सराहना भी की। नगर में 50 से ज़्यादा अधिक साइट्स पे शुगर टेस्टिंग कैंप लगाया जा रहा है और ये RSSDI के विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसमें कि आज पूरे भारत में एक साथ 10,000 से ज़्यादा साइट्स पे 10 लाख लोगों का शुगर टेस्ट किया जाने वाला है। कौन कौन इसमें शामिल हैं, कौन योगदान दे रहा है आपको? इसमें सबसे पहले है RSSDI, जो कि रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया है। ये उसी का आरंभ किया हुआ एक प्रयास है और इसके साथ में रोटरी क्लब, जो रोटरी इंडिया है वो जुड़ा हुआ है, बीटो है, टोरेंट है और भी बहुत सारे NGOs हैं और इस पे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है और उसी की सहायता से हम ये सारे कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जनपद में कितने टेस्ट किए जाएंगे? गौतम बुद्ध नगर की बात, करें तो हमारा जो टारगेट है वो हमने करीब 10,000 लोगों का टारगेट रखा है और पूरे दिन भर में हम कोशिश करेंगे कि रात तक हम 10,000 लोगों का ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। पूरे
पूरे देश में कितना रखा गया है, क्या उपलक्ष्य क्या है और पूरे क्या, और देखिए दर्ज कहाँ हो रहा है? डायबिटीज में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है और उनको डायबिटीज के बारे में जानकारी नहीं है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पीलीभीत के गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षा गृह में किया गया और इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी पेश की जो कि वन्य जीव पर आधारित है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 51 टाइगर रिजर्व ने हिस्सा लिया है जो कि बीते दिन दुग्धवा नेशनल पार्क से शुरू होकर पीलीभीत जनपद पहुंची जहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद ये रैली मुरादाबाद पहुंचेगी और इस तरह ही की करीब 9 रैलियां 51 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट भी करेंगी। एनटीसीए द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया फॉर टाइगर रैली और वीर निकाली जा रही है। पूरे इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें से 9 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो 1973 में ही बनाए गए थे। एनटीसीए द्वारा इस प्रकार से इसका संचालन किया जा रहा है कि ये सभी यात्राएं इन्हीं 9 टाइगर रिजर्व में जाकर के इनका समापन होगा। जो हमारी इस सीरीज की यात्रा है ये दुधवा टाइगर रिजर्व से शुरू होकर के पीलीभीत होते हुए मुरादाबाद होते हुए राजा जी होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क पे समाप्त होगी। हमें ये जो बैनर मिला हुआ है एनटीसीए का, ये दुधवा टाइगर रिजर्व के सम्मानित वाइल्ड लाइफ के प्रति डिवोटेड फील्ड डायरेक्टर सर ने दिया है। उसके यहाँ उनके यहाँ आगमन पर, उनके और उनकी टीम के यहाँ आगमन पर मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनकी और उनकी टीम का। और सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस संबंध में दो शब्द बोल करके हमें कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जितना वर्ष हम आज़ादी का सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें एनटीसीए ने कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें देश भर के 51 टाइगर रिजर्व में आपस में एक रैली की जा रही है। उसी उपलक्ष्य में कल दुधवा टाइगर रिजर्व से रैली पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंची। आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सेव टाइगर के में काफ़ी सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी उपलक्ष्य में एक रैली आज पीलीभीत के अंदर निकाली जाएगी और ये रैली पीलीभीत से मुरादाबाद में कार्यक्रम करते हुए राजा जी नेशनल पार्क जाएगी और परसों राजा जी नेशनल पार्क से 3 तारीख को एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस रैली का समापन होगा। वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। लगभग कितने दिन ये चलेगा लगातार ये कार्यक्रम? ये बेसिकली 2 से 8 अक्टूबर तक रैली खत्म करने का कार्यक्रम है। 51 टाइगर रिजर्व में 9 जगह ये रैली खत्म की जाएगी, तो 9 रैलियाँ इस तरह की चल रही हैं जो जुड़ के 51 टाइगर रिजर्व कनेक्ट करें। 7700 किलोमीटर हम इसमें कवर कर रहे हैं, देश भर में 7700 किलोमीटर हम चलेंगे और टाइगर रिलेटेड अवेयरनेस को हम फैलाएंगे। दोस्तों मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और जैसा कि जावेद जी ने बताया जो प्रथम 9 टाइगर रिजर्व थे जो 1973 में अस्तित्व में आए थे उन पे बड़ा आयोजन हो रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बाघ रिजर्वों की एक मतलब जो तो पूरी श्रृंखला है 51 टाइगर रिजर्व से पूरे भारतवर्ष में ये 51 टाइगर रिजर्व ये 9 जगह जो प्लस तो उसी कड़ी में मैं ये जो अपना ये लैब है तो ये एक तरीके की रिव्यू है तो बैठक में दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर आया हूँ। वहाँ पे भी बड़े आयोजन हुए हैं और कुछ गोष्ठियाँ हुई हैं, कुछ लोग साइकिल रैली हुई है, जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया है। उस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ कल पीलीभीत में भी होने जा रहा है। ये सिलसिला जो है 2 से 8 तारीख तक आगे मतलब चलता रहेगा। जो वाइल्ड लाइफ वीक होता है आप लोग जैसे जानते हैं तो उसमें ये कार्यक्रम चलता रहेगा और इसमें कहीं ना कहीं कि बाघ के संरक्षण से जो है लोगों को जुड़ना है, लोगों को ये मतलब जो है जानकारी होनी चाहिए कि देखिए बाघ रिजर्व है उसकी क्या भूमिका है
और जैसा आप सभी जानते हैं 2.23% जो भूभाग है अपना जो भौगोलिक क्षेत्रफल है देश का वो अभी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है तो वही टाइगर रिजर्व काफ़ी बेहतर कर रहे हैं यहाँ पे। आपको आप जानकारी आपको होगी इस बात की कि जो 2022 में दक्षिण अफ्रीका गया था बाघों को विजिट करने का, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक महासम्मेलन हुआ था बाघ राष्ट्रों का, उसमें ये तय किया गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या दुगुनी करनी है। तो हम लोगों ने वो सफलता जो है पहले ही पा ली है भारतवर्ष ने। और उसमें जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसमें यदि आप देखेंगे तो 2014 में जो 25 की संख्या थी वो 62-64 के आसपास पहुंच गई 2018 में। तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को नवाजा गया। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके में मगनपुरा निवासी मेहताब स्टोन क्रशर पर बोगी चलाकर मजदूरी करता था। वहीं मेहताब स्टोन क्रशर पर मजदूरी के पैसे मांगने गया था। बताया जाता है कि पैसे मांगने को लेकर मेहताब की स्टोन क्रशर मालिक के रिश्तेदार के साथ कहासुनी हो गई। आरोप है कि स्टोन क्रशर मालिक ने तैश में आकर मजदूर पर गोली चला दी। गोली लगने से मजदूर लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मजदूर के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल मेहताब को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद स्टोन क्रशर पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। और उधर बेहट विधायक नरेश सैनी ने अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूर का हाल चाल जाना और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन भी दिया। फिर क्या हुआ? तो हम पैसे लेकर बाहर आए गए मोटरसाइकिल के द्वारा, वहाँ थोड़ी बहस हुई, वो बुग्गी का माल काट रखे थे उनने, उनने अंदर तान को गोली मार दी। कान पर किसने मारी गोली? मालिक ने मारी। कौन सा क्रेशर है? जोशी वाला क्रेशर। कहाँ से? मालिक कौन है? नीरज। मालिक नीरज। पैसे लेने गया था जी मजदूरी में, वहाँ माल गे रहे बुग्गी थे तो उसे मेरा 4 क्विंटल माल काट दिया। उसकी मेरी बहस हुई इस बात का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाल ही में हुए बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से गुरुवार शाम एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया है कि घटना शिमला में हाली पैलेस के पास घोड़ा चौकी पर शाम 6:45 हुई और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। साथ ही ये भी जानकारी है कि इमारत के गिरने से पहले ही लोग वहां से बाहर निकल चुके थे और बताया जा रहा है कि इमारत 7 मंजिला थी और भूस्खलन की वजह से इसकी नींव तरक चुकी थी। तो बता दें शिमला में यह बड़ा हादसा हो गया है जहां पे 7 मंजिला इमारत यह ढह गई है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ ही सेकंड में ये पूरी की पूरी इमारत ढह गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस इमारत से लोग पहले ही निकल चुके थे, इसीलिए किसी की जान का नुकसान नहीं हो पाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।